फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी बारिश हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा बनाकर तैयार किया जाए। तो मैंने यहाँ पर मन बना लिया है कि मुझे यहाँ से बनाने हैं बेसन आलू और प्याज के पकोड़े, जो मिक्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ से 5 प्याज ले ली है और यहाँ से हमने कुछ आलू छिलके निकाल कर इसके और यहाँ से इन्हें कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ आलू ले लिए हैं। इन्हें यहाँ से आप जिस भी साइज में आप कट करना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे यहाँ पर इस तरह से कट करूंगी आलुओं को। तो मैं यहाँ से सभी आलुओं को कट कर लूंगी, आपको बिल्कुल बारीक बारीक सा यहाँ से इन्हें काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ से मेरे आलू कट हो चुके हैं और यहाँ पर हमने प्याजों को भी कट कर लिया है। दोनों को एक ही साइज में यहाँ से कट किया है और दोनों को अच्छी तरह से यहाँ से धुल लेंगे। धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन। तो बड़े से बर्तन में हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे आटा छानने वाली छन्नी। तो देखिए, इस छन्नी को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ ज्यादातर मैदा के लिए और बेसन के लिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से बेसन को छान लूंगी। इसमें क्या होता है, यहाँ से लम्स ना हो तो इन लम्सों को बिल्कुल खत्म कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल हमारा सफा है यहाँ से। तो मैंने बेसन को छान लिया है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ इन्हें, आपको इस तरह से इसके कानों को बिल्कुल सफा कर लेना है यहाँ से, इन्हें बिल्कुल इकसार करते हुए यहाँ से। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो हमने बेसन को छान लिया है। बेसन यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसन में पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल सिंपल आपको डालना है, अभी आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपको इसमें पानी डालना है और इसका आपको इस तरह से फेंटते हुए एक बैटर बनाकर तैयार करना है। तो हम इसे फेंटेंगे यहाँ से, पानी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ से मैं पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे यहाँ से फेंटती जाऊंगी। तो देखिए, आप जब भी पकोड़े बनाएं उसके लिए इसी तरह से बैटर बना के तैयार करें तो आपका यहाँ से बहुत ही अच्छे पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसे फेंटती जाऊंगी। जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए इसे फेंटेंगे तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही फूले फूले से हमारे यहाँ से पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं सभी को इस तरह से देखिए फेंटूंगी। आपको कोई भी चम्मच लेनी है, आप चाहे तो यहाँ से इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से इसे फेंटते हुए यहाँ पर सभी बेसन का यहाँ से घोल बना लिया है। पानी डालते हुए आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है बीच बीच में। अब हमने यहाँ से देखिए बना लिया बैटर। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने थोड़ा सा कलर के लिए आधा चम्मच के करीब हल्दी ऐड कर दिया है। आधा चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर और आधा चम्मच से कुछ ज्यादा यहाँ पर हमें छोटा चम्मच है तो हमने यहाँ से ले लेने हैं लाल मिर्ची पाउडर, तो उसे भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पर लेंगे नमक। तो नमक आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है। यहाँ पर मैं दोनों तरह का नमक डालूंगी। यहाँ से काला नमक भी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ से नमक हमारा ऐड हो जाएगा। अब आपको देखिए इसे क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से इसे फेंटना है जिस तरह से अभी आपने फेंटा था, उसी तरह से फेंटते हुए मसाले को इस तरह से इसके अंदर अच्छे से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे देखिए मिक्स करती हूँ, तो अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से इसे अच्छे से फेंट लेना। जितना आप अच्छा इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा आपके यहाँ से पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस रेसिपी में मैं आप लोगों को ये ट्रिक देना चाहती हूँ, जब भी आप पकोड़े बनाएं तो उसके बेसन को आपको पहले से इस तरह से बैटर बनाकर तैयार करना है। तो बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही खस्ता यहाँ से आपके पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें एक चुटकी के करीब हींग। यहाँ से हींग को भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे खाने वाला सोडा, अगर आपके पास है तो आप उसे जरूर ऐड करना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर आधा चुटकी के करीब यहाँ से डाल दिया है खाने वाला सोडा। अब इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ से। और देखिए जो हमारा बैटर है इसमें आपको पानी अब बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से इसे फेंट देना है। यहाँ पर हमारा बैटर बन के तैयार है। अब इसके अंदर आपको ऐड कर देनी है यहाँ से जो प्याज आप कट करके डालते हो। तो यहाँ से मैंने जो कट किए हैं प्याज उन्हें यहाँ से इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ से जो हमने आलू कट करके रखे थे उन्हें भी यहाँ पर डाल देंगे। तो दोनों चीजों को आपको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से दोनों चीजों को इस तरह से डाल लेना है। तो अब मेरे यहाँ पर आलू और प्याज इसके अंदर डल चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से यहाँ से इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको आलू और प्याज को इस बैटर के अंदर मिक्स करना है यहाँ से। तो देखिए आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसे यहाँ से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ तो देख सकते हैं आप इसमें कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। जो हमने हल्दी ऐड की थी वो हमने यहाँ पर कलर के लिए की थी।
तो देख सकते हैं आप कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है बेसन में। तो यहाँ से सभी चीजों को इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ से मैंने सभी चीज मिक्स कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बैटर आलू प्याज के साथ बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से गैस की तरफ, और गैस पर हमने यहाँ पर कढ़ाई को रख दिया था, उसमें हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब यहाँ से हम सभी पकौड़ों को यहाँ से डाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, अगर आप खारी आलू के बनाना चाह रहे तो आप आलू के चंदा इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ से दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 1.5 मिनट के करीब हो चुका है और ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ से भी आपको इस तरह से इन्हें फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने इन्हें पलट लिया है। पलटने के बाद आपको दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ से मैं इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई करूंगी। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन्हें बनाते हुए हमें ज्यादा समय नहीं लगा है और ये यहाँ से दोनों तरफ से अच्छे से बन चुके हैं। अब आपको इस तरह से इन्हें हला ढुला लेना है। और देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक बर्तन में इसे यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपको इन्हें एक बर्तन में यहाँ से निकाल लेना है। तो आपको देखिए इस तरह से निकालना है, इसमें ऑयल ज्यादा ऐड नहीं हो। तो मैं इस तरह से इन्हें एक बर्तन में निकाल लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जो बचा है बैटर, उसे भी हम इस तरह से बनाते हुए सभी को यहाँ से देखिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू और प्याज दोनों को मिक्स करके यहाँ से पकौड़े बनाकर आप लोगों को दिखाए हैं। तो यहाँ पर ये बन चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद नहीं आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सभी पकौड़ों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी और यहाँ से इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो आपको इस तरह से इन्हें बनाकर तैयार कर लेना है। सभी पकौड़ों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी और सभी को यहाँ से इस तरह से निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से सभी पकौड़े अपने फ्राई कर लिए हैं और देख सकते हैं ऑयल भी यहाँ पर ज्यादा नहीं, यहाँ पर देखिए ऐड हुआ है इसके अंदर। तो बहुत कम ऑयल में आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इन्हें सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो देखिए यहाँ से हमने आलू और प्याज के पकौड़े बनाकर बिल्कुल तैयार कर दिए हैं और देख सकते हैं आप, कलर बहुत ही अच्छा आया है। बहुत ही कुरकुरे खस्ता हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से बना सकते हैं इन्हें।